आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूपी लाइफ 100 न्यूज चैनल पर। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। चोरों ने बैंक को बनाया अपना निशाना, दीवार तोड़कर अंदर रखे एटीएम मशीन का लॉकर तोड़ने की कोशिश। जलोन के उरई तहसील के थाना 8 के गल्ला मंडी स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में बीती रात चोरों ने बैंक की दीवार तोड़कर बैंक के अंदर लॉकर तथा अलमारी तक पहुंच गए और लॉकर तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन उनका यह प्रयास नाकामयाब रहा। जब सुबह बैंक खुली तो सामान अस्त व्यस्त देख कर्मचारी के होश उड़ गए। आनंद फानंद में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर क्षेत्र अधिकारी कोच राहुल पांडे, 8 थाना अध्यक्ष विनय कुमार दिवाकर के साथ सीओजी टीम, फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट आदि सुरक्षा जांच एजेंसियों की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और पूछताछ की तथा बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में की फुटेज देखी। फिलहाल इस घटना से पुलिस अधीक्षक के क्राइम फ्री को एक बार फिर चोरों ने चुनौती दे डाली। जलोन से जिला संवाददाता कृष्ण कुमार कुशाहा की स्पेशल रिपोर्ट। सर, आज चोरों ने बैंक में सेध लगाने की कोशिश की है, सर क्या पूरा मामला है, कितना बैंक का सामान गया है, कुछ क्या पूरा मामला है? जनपद जालौन में के 8 थाना क्षेत्र में 8 पुलिस को सूचना मिली कि मंडी परिसर में जो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है इसमें पीछे शौचालय से तोड़कर अंदर चोरी करने का प्रयास किया गया है। तो 8 थाना पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और मेरे द्वारा यहाँ पे मैं आया हूँ और SOG सर्विलांस की टीम तथा फील्ड यूनिट की टीम है वो भी मौके पर आई। तो अंदर जाकर देखा तो बैंक का जो लॉकर है उसको पीछे से तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो टूटा नहीं है। अलमारियों को भी तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन अलमारी टूटी नहीं है। तो चोरी करने का प्रयास किया गया है। बैंक वालों से तहरीर मिली है, उसमें उन्होंने किसी प्रकार का रुपए पैसे जाने से इनकार किया, फिर चोरी करने का प्रयास किया गया है।